लेक्चर्स दैट इज द लैंग्वेज ऑफ एमआरएनए। जेनेटिक कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्रिप्टोग्राम। जेनेटिक कोड और क्रिप्टोग्राम इज देयर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एमआरएनए लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एमआरएनए लैंग्वेज बिकॉज दिस कोड वॉज इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए लैंग्वेज। इसी को हम लोग बोलते हैं एयूजीसी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज अ एयूजीसी लैंग्वेज। सो जेनेटिक कोड, क्रिप्टोग्राम्स और इट ऑल्सो कॉल्ड एज एमआरएनए लैंग्वेज और एयूजीसी काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। सो व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक कोड, फर्स्ट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। What is the transcription? In the transcription, the DNA is get converting into the mRNA, and from this mRNA, a protein is synthesized. That is called as a central dogma of protein synthesis. जहां पे आपका DNA mRNA में convert हो रहा है, that is called as a transcription. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, transcription. We have seen the language of DNA in the form of ATGC is converting into the AUGC. Here the T is replaced by U because in the DNA thymine is there, in the RNA uracil is there. So if language वहाँ पे क्या change हो रही थी, ATGC से AUGC हो रहा था, okay? और एक double stranded DNA से single stranded जो है क्या बन रहा था, single stranded mRNA बन रहा था. Why this is happening? Remember, the DNA when converting to the protein, okay? अब क्या हो रहा था, DNA mRNA में convert हो रहा था, transcription हो रहा था, mRNA जो है protein में convert हो रहा है, that is called as a translation, okay? mRNA जो क्या हो जाएगा, this mRNA which is synthesized inside the nucleus, it goes towards the cytoplasm, and here in the cytoplasm, it reads on a machineries of ribosomes, and ribosomes form a protein which is called as a polypeptide chain. Proteins are the polypeptide chain. Remember this polypeptide chain. What happened in the polypeptide chain? The amino acids are linked to one another. Okay, so on. So many amino acids are linked to one another and they form a polypeptide. And polypeptide takes the conformation and form the proteins. तो इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन डायरेक्ट करता है, डीएनए। सो डीएनए शुड कंटेन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द प्रोटीन्स, सॉरी डीएनए शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म द प्रोटीन्स। प्रोटीन फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, अमाइनो एसिड्स एक के बाद एक सिक्वेंस में क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो ये सिक्वेंस जो रहती है अमाइनो एसिड की, that sequence was copied in the form of copy in script in the form of mRNA language. So mRNA copy the sequences of the amino acid from the DNA. Apni language mein kya karta hai, mRNA copy karta hai, and that sequence is called as a genetic code. Okay, genetic code kya rehte hain, triplet ke form mein rehte hain, triplet of nucleotides ke form mein rehte hain. Later we will discuss about the जेनेटिक कोड। तो इस तरह से क्या करता है, डीएनए से, एमआरएनए क्या करता है, डीएनए से जो है अपनी लैंग्वेज में जो है कोड्स कॉपी करता है, और यही कोड क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं विच अमाइनो एसिड ज्वाइंस फर्स्ट, विच कम्स फर्स्ट एंड विच अमाइनो एसिड कम्स सेकेंड। सो देयर शुड बी अ बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ प्रोटीन्स। इस तरह से क्यों होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी डीएनए और जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। जब जीन अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के फॉर्म में क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो प्रोटीन मतलब क्या, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइन होना चाहिए, कौन से अमाइनो एसिड्स के बाद ज्वाइन होना चाहिए, देयर नंबरिंग विल बी डिसाइडेड बाय द डीएनए। सो देयर डीएनए कोड्स शुड बी एनकोडेड बाय द एमआरएनए लैंग्वेज। एमआरएनए क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में ये कोड डीएनए के पास से लेता है। मींस वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए इज कन्वर्टिंग टू द अनदर टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एंड लैटर दिस न्यूक्लिक एसिड विल हेल्प इन अ ट्रांसलेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द क्लियर एविडेंस दैट, ओके,
फॉर कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए वी नीड सम कोड्स, हमें कुछ कोड्स की जरूरत है। यही कोड्स क्या करते हैं, एमआरएनए अपनी लैंग्वेज में डीएनए से ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयू जीसी एंड दे फॉर्म द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यही आरएनए राइबोसोम्स पे जाके क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ लेकर आते हैं और क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स की चेन बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन्स वन। दिस फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन वॉज डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो हैज सेड दैट द एमआरएनए कंटेन्ड सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एमआरएनए से जब प्रोटीन्स बन रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म, मीन्स एमआरएनए इज कंटेनिंग सम सीक्वेंसेस एंड दैट सीक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ कोडॉन्स आर देयर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कोडॉन्स। सो कोडॉन्स आर नथिंग बट द सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। कंसिडर दिस वन इज योर एमआरएनए, एमआरएनए आपका है, ओके। What we have drawn the mRNA, किस तरह से रहता है mRNA, 5-3 direction. On the 5-, okay, some codons are present, always the same one, that is called as the start codon. जो कि हमेशा क्या रहते हैं, AUG is there. अगर AUG नहीं रहेगा, sometimes, only sometimes GUG is present and that AUG is called as a start codon. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, start codon and that is also called as a initiation codon, initiation codon. So here nucleotides are present, G U G C A U G. So these nucleotides are present and these set of these three nucleotides are called as a codons one. Set of three nucleotides which present on mRNA. Definition किस तरह से लिखना है, सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स विच प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रही हूँ, बेस पेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ। बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रहते हैं, वहां पे बेस पेयरिंग रहना जरूरी है, बट हियर द बेस पेयरिंग शुड नॉट बी देयर, ओनली सिंगल स्ट्रैंड इज देयर। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल स्ट्रैंड एंड सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड एज अ कोडॉन्स वन एंड दैट विल बी फर्स्ट डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट गेमो, जॉर्ज गेमो, 1956। Later, the Yanofsky and Sarabhai, okay, determined in 1964 these codons, means codons which are present on the mRNA. These codons were copied from the DNA language, and that DNA language is called as a codon gene. क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया कि अल्टीमेटली कहां से होती है, डीएनए के डायरेक्शन से होती है, इट इज द हेट्रोकैटालिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डीएनए। डीएनए क्या करता है, कुछ सीक्वेंसेस एमआरएनए बनने के लिए देता है एंड दैट डीएनए सीक्वेंसेस इज कॉल्ड एज अ कोडोजिन, और जो एमआरएनए की लैंग्वेज में कॉपी होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोडॉन्स। डीएनए लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ एटीजीसी, एमआरएनए लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ एयूजीसी। एटीजीसी की लैंग्वेज को हम लोग बोलेंगे कोडोजिन एंड एयूजीसी लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ कोडॉन्स। सो हियर दिस कोडॉन्स आर कॉपीड फ्रॉम द DNA language which is called as a codogene and it was first discovered by the Yanofsky and Sarabhai in 1964. But in 1968 again the F.H. Crick has determined the codons are of about 64 codons are there. कितने codons हैं यहाँ पे, 64 codons are there. अगर हमारे पास जो है चार nucleotide presents है that is the AUGC, अगर हम इनको ट्रिपलेट की शक्ल में अरेंज करते हैं, यू नो परमिटेशन कॉम्बिनेशन, मीन्स 4 × 4 × 4 विच बिकम्स अ 64। सो बेसिकली वी हैव द सेट ऑफ 64 कोडॉन्स आर देयर। कितने कोडॉन्स रहेंगे हमारे पास, तीन तीन के सेट के 64 कोडॉन्स, मीन्स एयूजी, जीयूजी, एयूसी, इस तरह से हमारे पास कितने रहेंगे, सो ऑन अप टू 64। So we have the set of three nucleotides, that is the codon. Basically 64 codons are present and each codon will code for one amino acid. Rule kya hai? Ek codon ke liye ek amino acid hai. Ek amino acid. Okay? So we have the 64 codons are there. But here we have only 20 amino acids are there. 20 amino acids, only
64 codons are there. Means each amino acid is coded by more than 2 to 3 codons. एक अमाइनो एसिड दो या तीन कोडॉन से क्या होता है, कोड होता है. एंड दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक, ओके, 1968. लैटर दिस ट्रिपलेट कोडॉन आर डिटरमाइंड, ओके, एक्सपेरिमेंटली वाज प्रूव्ड बाय द अगेन बाय द क्रिक बाय द वन मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. एंड लैटर Dr. Harbind Khurana has determined, okay, Dr. Harbind Khurana has determined by that each and every codon, remember, each and every codon is code for a particular amino acid. Each and every codon is code for the particular amino acid. 64 codons में से कौन से codons कौन से amino acids के लिए determine होते हैं? Randomly ये determine नहीं होते हैं, इनके एक sequence है. यही सीक्वेंस के हिसाब से ये अमाइनो एसिड को कोड करेंगे. एंड दैट वाज डिटरमाइंड इन अ टेबुलर चार्ट बाय द डॉक्टर हरबिंद सिंह खुराना. एंड दैट वाज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. लेटर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं, ओके. सो हरबिंद सिंह खुराना हैज डिटरमाइंड द आर्टिफिशियल mRNA. आर्टिफिशियल mRNA उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया. एंड दैट आर्टिफिशियल mRNA अगेन गिवन द सेम काइंड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कोडॉन like CUC, UCU, CUC, UCU. He observed that, okay, CUC क्या होना चाहिए, एक अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन के लिए कोड होता है. Then UCU is code for the glycine, okay. Again CUC किसके लिए कोड होना चाहिए, फिनाइल एलानाइन के लिए कोड होना चाहिए. So the first sequence is they have code for the फिनाइल एलानाइन. Second जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, this UC is not code for the phenyl alanine. So he have derived that two or more codons are code for the two or more different amino acids. तो एक amino acid जो है तीन से चार codon क्या करते हैं, तीन से चार codon क्या करते हैं, code करते हैं. तो एक amino acid के लिए एक codon necessary है, लेकिन तीन से चार codon भी present रहते हैं एक amino acid के लिए. Remember one amino acid having more than two or three codons are present. Later, the discovery was made by the Nirenberg, Oka and the Matthew. So these are the scientists who have experimented that the codons are present on the mRNA in the form of three set of nucleotides, and these are copied from the DNA. DNA की language क्या है? ATGC, जिसको हम लोग बोलते हैं codogen. यही mRNA की language AUGC में copy हो जाते हैं, और यही copy language ट्रांसलेट करते हैं राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर गेट फॉर्म. अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड किस तरह से रहते हैं, फर्स्ट रिमेम्बर ऑलवेज इट इज द ट्रिपलेट वन. जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट वन, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ थ्री सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. थ्री सेट प्रेजेंट रहते हैं, that is the triplet is there. This triplet present always on mRNA. mRNA पे ही present करना चाहिए. The second most important thing, it is the comma less and non overlapping. Okay, three के set में अगर इसको read कर रहे हैं तो तीन और तीन दूसरे codons, दूसरे nucleotides के बीच में gap नहीं रहता है. Remember or consider this one is your mRNA. 5' से 3' रहता है, okay. फर्स्ट थ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज AUG. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन वन. इनिशिएशन वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टार्ट कोडॉन्स. सो रिमेंबर द सेकेंड इज UGUAC. देर इज नो गैप बिटवीन दीज टू कोडॉन्स. सेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज अ कोडॉन. दिस इज द सेकेंड कोडॉन. दिस इज द AGG. दिस इज द फोर्थ कोडॉन. So here there is no gap between the codons. So this is called as a comma less. No gap between the codons are there. जब mRNA पे क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, देर इज नो कॉमा इन बिटवीन दिस, कोडॉन्स आर प्रेजेंट. सो दीज आर द कॉमा लेस एंड दीज आर द नॉन ओवरलैपिंग वन. नॉन ओवरलैपिंग मीन्स हियर सी हियर द फर्स्ट वन इज द AUG इज देयर, द सेकेंड इज द UGU and AGC. So AUG, the
second is the UGU. Okay, GUG. So there is no overlapping of the codons are possible. So the codons are not overlapping to each other. Next kya ho jayega? UGU. Next GUG. UGU. So there is no overlapping of codons are present on the mRNA. So these are the characteristics. The second most important, third most important thing is the non-ambiguous. First triplet ke shakal mein rehte hain. Three set of nucleotides. Comma less. Non overlapping. Overlapping in mein possible nahi hoti hai. Non-ambiguous. Non-ambiguous means what? See here. On the mRNA. At the 5' end, always the AUG is present, which is called as the initiation codon or start codon. इसी को हम लोग initiation और start codon कहते हैं. Always at the 5' end, AUG is present. Okay? And this will be the non-ambiguous. There is no change in the first codon of the mRNA. Always remember, it should be AUG. That is the start codon should be AUG. That is the start codon. And AUG is always codes for methionine. Methionine एक type का amino acid है. AUG हमेशा present रहता है on the initiation side. And it codes for the methionine. So it is the non-ambiguous. It not changed. So this is the one of the most important characteristics. The fourth characteristic is that it is the degenerative. Okay. Degenerative means what? See, we have the 61 codons. Out of 64 codons, okay, out of 64 codons, okay, 61 codons are codes for amino acids. So these 61 codons are called as the sense codon. These 61 codons are called as the sense codons. The remaining three are called as a nonsense codon. Okay, these are called as a nonsense codon. They do not code for the amino acids. किसी भी amino acids के लिए code नहीं करेंगे. कितने available है? Out of 64, we have the 61 codons available to code for a small 20 amino acids. So 20 amino acids code by the 61 codon. Okay. So, एक अमाइनो एसिड अगर हम लोग देखेंगे तो इट विल बी कोड बाय टू और मोर देन टू कोडॉन्स. दिस इज कॉल्ड एज ए डीजेनरेसी. अगर एक वहां पे कोडॉन अवेलेबल नहीं है एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, अनदर कोडॉन इज ऑल्सो अवेलेबल टू कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड. सो अवेलेबिलिटी क्या है इसकी? ज्यादा है. मोर नंबर ऑफ द अवेलेबल कोडॉन्स फॉर वन अमाइनो एसिड इज मोर. ओके, अवेलेबिलिटी क्या है? एक अमाइनो एसिड की मोर देन टू कोडॉन से कोडॉन होने की अवेलेबिलिटी ज्यादा है. एक अमाइनो एसिड को कोड करने के बहुत ज्यादा क्या है हमारे पास कोडॉन्स अवेलेबल हैं. दैट इज कॉल्ड एज द डीजेनरेसी. एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पोलैरिटी. पोलैरिटी इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द कोडॉन्स. ऑलवेज रिमेम्बर, अवर mRNA रीड फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन. mRNA हम किस तरह से रीड करते हैं? ऑलवेज इन अ 5' टू 3' डायरेक्शन. ओके, 5' से 3' डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं. द सेम पोलैरिटी शुड बी देयर फॉर द रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड और क्रिप्टोग्राम्स फ्रॉम 5' टू 3'. एट द 5' और 5' एंड ऑलवेज द AUG इज प्रेजेंट. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज द इनिशिएशन कोडॉन और ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन. ओके, एट द 3' एंड द 3 एट द 3' एंड ऑफ द mRNA वन कोडॉन इज प्रेजेंट आउट ऑफ दीज थ्री. दट इज कॉल्ड एज अ नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन. दीज आर कॉल्ड एज अ नॉनसेंस कोडॉन्स और टर्मिनेशन कोडॉन. दीज नॉनसेंस कोडॉन्स आर UAG, UAA and UGA. Okay, and these codons, out of these three codons, one codon is present at this 3' end. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Termination codon or nonsense codon. So here at this side UAA, UGA or UAG is present.
So UAG has a specific name, amber. UAA has the ochre, and UGA is the opal. So your scientists have derived the AUG as a start codon, and these three as a different name, that is amber, ochre, and opal, depending upon their availability at the termination of 3 prime end. तो हमेशा ध्यान रखना है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे हम लोग रीड करते हैं. 5 प्राइम पे स्टार्ट कोडॉन्स रहते हैं AUG, 3 प्राइम द टर्मिनेशन नॉनसेंस कोडॉन्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर द 3 नॉनसेंस कोडॉन्स. आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन्स कोड्स फॉर द अमीनो एसिड. 3 कोडॉन्स क्या है, ये नॉनसेंस कोडॉन किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं. ओके एंड द लास्ट, द सेकेंड लास्ट इज द यूनिवर्सल. What is called as a universal? And this codon is code for the in eukaryotic cells. But this genetic code is applicable to all the organisms. It applicable to the all the organisms. Not only the eukaryotic, but also the prokaryotic one. Okay? All the organisms included the viruses also. So here all the organisms, from lower organisms to the higher organisms, these genetic code for the same kind of amino acid. Consider, यहाँ पे मैंने बताया start codon AUG जो है methionine के लिए code हो रहा है. In human being, it is code for the methionine. And in all the organisms, in bacteria, in prokaryotes, this AUG is code for the methionine. हर एक code के लिए एक amino acid fix है. उसी तरह से क्या हो रहा है, यही amino acids eukaryotes में भी same है, यही code जो है prokaryotes में भी क्या होने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं. That's what is called as a universal one. Another example is the GUG. GUG codes for the glycine one. UUU, that is codes for the phenylalanine. तीनों के लिए अलग अलग क्या है, codons present है. This codons is same from lower organisms to higher organisms. जो भी organisms यहाँ पे हम लोग prokaryotes में लाते हैं, eukaryotes में हम लोग अगर ये कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक कोड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. द क्रिप्टोग्राम्स इज द यूनिवर्सल वन. इट इज सेम फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स. सो इट इज द यूनिवर्सल एंड इट इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिजम. इट इज अप्लाई टू द ऑल ऑर्गेनिजम्स, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स. एंड लास्ट वन इज द कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स. वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कोडॉन्स. Codons is the set of 3 nucleotides. Set of 3 nucleotides present on mRNA. Okay? जो mRNA के ऊपर present रहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, codons. Anticodons are present on the. These anticodons are present on the. Anticodons are present on the tRNA. इस तरह से क्या होता है, एंटीकोडॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, टीआरएनए पे प्रेजेंट रहते हैं. एंड दीज एंटीकोडॉन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोडॉन विच आर प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए एंड द एंटीकोडॉन साइड. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड. और जेनेटिक कोड की अगर हम लोग टेबल देखेंगे, विच इज देयर इन योर सिलेबस, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ. ओके, तो अब क्या करना है, हम लोगों को इस तरह से टेबल बनाना है. मेक अ टेबल ऑफ 4-1 पोजिशन. हम लोगों किस तरह से ये करना है, बनाना है टेबल. फर्स्ट पोजिशन यू, सेकेंड पोजिशन इज द ऑल्सो द यू, थर्ड पोजिशन यहाँ पे अगेन द यू इज द. फर्स्ट टू पोजिशन यहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी इन दिस वे, यू यू, फर्स्ट टू पोजिशन यू यू. ओके,
थर्ड पोजिशन विल गेट चेंज यू. थर्ड पोजिशन क्या हो जाएगी? आइदर यू ए सी जी. ओके, थर्ड पोजिशन विल गेट चेंज. यहां पे क्या हो जाएगी? फर्स्ट पोजिशन ए है, सेकेंड पोजिशन यू. ए यू जो है, चारों जो हम लोग प्रोनाउंस ड्रॉ कर रहे हैं इसमें सेम रहेंगे. थर्ड पोजिशन दैट इज विल बी यू ए सी जी. सेम सीक्वेंस में थर्ड पोजिशन आप लोग क्या करनी है? लगानी है. ओके, अगेन दिस वन विल बी द सेम. इस तरह से हम लोग क्या बनाना है? चार प्रोनाउंस बनाना है, कोड बनाना है. इस तरह से प्रैक्टिस करो इन योर रफ बुक और इन योर क्लास वर्क अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स. सो हियर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होंगे? 64 कोडॉन्स. इसमें से तीन हम लोगों को ढूंढ के निकालना है. दैट इज द नॉनसेंस कोडॉन, यूएजी, यूएए एंड यूजीए. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक कोड विच आर डिराइव्ड बाय द आरबी सिंह खुराना. दिस इज द होल थिंग अबाउट योर जेनेटिक कोड.